शांति। आज की तारीख है 3/10/16 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे सर्वशक्तिमान बाबा। हम बच्चों को राजयोग सिखा करके, शक्तियां दे करके, हमें निडर और निर्भय महावीर समान बहादुर बनाते हैं। तो आज मीठे मीठे बाप दादा शिक्षा देते हुए हम बच्चों से कहते हैं कि मीठे बच्चे महावीर बनो। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल और अडोल बनो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। ये तो सब कल्प पहले माफी को हो रहा है, इसलिए नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी, इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर। अब यहाँ हमें ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं बाप ने बतलाई कि उनको रंज न होने का कारण क्या रहा। एक तो जो उन्होंने ज्ञान सूर्य बाप से ज्ञान लिया तो उस ज्ञान का उपयोग करके और अपनी स्थिति को उन्होंने अचल और अडोल रखी, युद्ध में अपना समय नष्ट नहीं किया। फिर उन्होंने नेगेटिव न देखा न सुना और ना ही नेगेटिव पर ध्यान दिया और ही नेगेटिव बातों को पॉजिटिव लिया, तो इस रीति से भी बाबा को रंज नहीं हुआ। फिर ड्रामा की जो धारणा थी कि ड्रामा में जो होता है उसमें कल्याण है, इसीलिए ड्रामा रिपीट होता रहता है और इसीलिए इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो अनेक बार हो चुका है, हो रहा है, होता ही रहेगा। तो ऐसी गहरी ज्ञान की बातों का स्वरूप बन करके और उन्होंने अनेक हंगामे होते हुए भी अपनी स्थिति जो है वो महावीर के समान अचल और अडोल रखी। गीत बजा है भोले नाथ से निराला। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें, नंबर एक है श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने रखी। किसी भी बात में डरना व नाराज नहीं होना है। नंबर दो है अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है। रचना को हाथ में रखने का मतलब ये नहीं कि हम उनके ऊपर अपना हक अधिकार ऐसा जमाएं जो उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो, नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनको विकारों से बचाना है। पावन बनने की राय देनी है, वरदान है। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। बाबा कहते हैं कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। हाँ, कर्म करने के पश्चात क्या करना चाहिए था वो स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण तो धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ,
वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।